चाहिए, मैं काम कर रही हूँ, मेरे लड़के 4 दिन की है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बद्दुआ किस को लगेगी, कि डीलर के बच्चों को लगेगी ना, कि मुझे लगेगी? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? आइए सर, हम लोग कहाँ रहेंगे? किसान पूरे रिश्ते समर्पण पैसे ऑटो चला चला के ये हमारी ऑटो पैसे दिए हमने खुद के। अब कहाँ रहेंगे आप? कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ रहेंगे। भगवान आप लोग गरीबों का घर क्यों तोड़वाते हो? आप लोग ऑर्डर क्यों देते हो गरीबों का घर तोड़वाने के लिए? 1.5 साल से। 1.5 साल से मकान बनाया? जी जी बनाया। कितने रुपए में ली थी जमीन? हमने ली थी 6,15,000 रुपए। किससे ली थी? नरेश चंदीला से। अब ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? अब कल तोड़फोड़ क्या करें, पैसे जो है बाबा जो है डीलर जो वो जिनके जमींदार है वो रोशन लाल शर्मा, हाँ इन्होंने से पैसा दे दिया था, कुछ रह रहा था उनका, नरेश चंदीला के पैसे पहुंच मतलब गया था। उनका आपस का झगड़ा था, पैसे का लेन देन का? हाँ आपस का लेन देन का झगड़ा, उसमें हम लोग बीच में पीछे जा रहे हैं, हम गरीब आदमी। कितने मकान तोड़े जा रहे हैं आज? अब कह रहे हैं सारे टूटेंगे, कल भी टूटे थे 2-4 मकान, और फिर बोले थे 11 बजे फिर आऊंगा। हम लोग को यकीन नहीं था, अब नहीं आएगा कोई, बात नहीं 48 घंटे का नोटिस था, 48 घंटे हो गए अब नहीं आएंगे। फिर रात में जो हमारा डीलर जो है ना नरेश चंदीला, वो आया था, कहा कि भाई अब कुछ नहीं होगा, मैं हमने बात कर ली ऊपर से, हाँ वैसे अब रहो। फिर हम लोगों ने वहाँ गया था, किशनपाल गुर्जर जी के यहाँ गए थे, वहाँ पे कह रहा भाई वो तो थे नहीं मीटिंग में, कहीं थे महाराष्ट्र में कहाँ पे, उनके पीओ जो है वो कह रहे थे कि भाई ये ऊपर से ऑर्डर है ऐसे ऐसे, अब ये मकान आपके तोड़ दिए गए हैं। तोड़ दिए गए, ठंड पड़ रही है, बताइए पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे? बताइए सर हम लोग कहाँ रहेंगे? किसान साले ऊपर रिसर्च समर्थन मेहनत आपने लगा दी, पैसे ऑटो चला चला के इसे किए हमारी ऑटो, पैसे दिए हमने इकट्ठे करके। अब कहाँ रहेंगे आप? कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ रहेंगे, भगवान आप जान। पैसे भी दे दिए, जमीन भी चली गई, पैसे पूरे के पूरे दे दिए सर। क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरी जमीन चाहिए। हम यहाँ पे हो गया, हमें तो मतलब ये फरवरी में हमें 2 साल पूरे हो जाएंगे। मकान हमने जमीन खरीदा था। कितने रुपए में? हमने खरीदा था 15,000 रुपए गज में। 15,000 रुपए गज? किससे खरीदा था? नरेश चंदीला से। नरेश चंदीला कहाँ रहता है? नरेश चंदीला, नरेश चंदीला गोची में रहता है। गोची में रहता है। तो अब ये तोड़फोड़ कार्रवाई क्यों हो रही है? कार्रवाई इसलिए हो रही ना, नरेश चंदीला ना जो जमींदार है ना उनसे जमीन खरीद रखा था, उनसे जमीन खरीद रखा था, फिर हमें बेचा था। अच्छा, मतलब फ्रॉड किया था? हमें बेच रहा है नरेश चंदीला ने। नरेश चंदीला का कहना ये है कि हम पैसे ना बाबा को जो है ना रोशन लाल उनको हम पैसा दे दिए हैं, फिर भी वो तोड़ मोड़ क्यों कर रहे हैं? बाबा अरे रोशन लाल और सचिन मतलब दादा पोते की लड़ाई है, मतलब उसमें उन लोग उनकी आपस की लड़ाई में आपस का नुकसान हो रहा है, उनकी आपस की लड़ाई है, नुकसान हम गरीबों को हो रहा है। आप कहाँ जाएंगे? आप हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे आ गए, अब फिर झुकी डाल के यही रहेंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमने 8 लाख रुपया कम नहीं होता, बच्चे का पेट काट काट दिए, छोटे छोटे बच्चों का पेट काट। कितने बच्चे आपको? 3 बेटी है हमारी, 3 बेटी है। बाबा जोधपुर में आप मकान तोड़े जा रहे हैं? फिर भी तोड़े जा रहे हैं हमारे मकान। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे मकान के ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारा मकान हमें वापस मिले, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो बहुत सारे मकान तो तोड़ दिए, आपका भी टूट जाएगा। ये कार्रवाई कल भी हुई थी एक्चुअली, ये कुछ ऑक्यूपाइड हाउसेस थे, तो ग्रीवेंस कमेटी का मामला है, तो उसमें ये कहा गया था भी इन मकानों को तोड़ना है, तो अभी कल हमने फिर आए थे तोड़ने के लिए, तो 2-3 मकान तो हमने खाली करके तोड़ दिए थे, लेकिन लोगों ने टाइम मांगा भी, आज सुबह तक का टाइम दे दिए थे, तो आज सुबह तक का टाइम दे दिया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए, अब उनको तोड़। सर बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि उन्होंने पैसे भी दिए हैं, जमीन पैसे देकर खरीदी है, पर दादा पोते की लड़ाई में उनका नुकसान हो रहा है। पता नहीं, ग्रीवेंस कमेटी में आया था मामला, है तो अनऑथराइज कॉलोनी है, तो हमारे अर्बन एरिया की वायलेशन में कॉलोनी तो है ही, ठीक है ना, वो दादा पोते का झगड़ा है, वो उनका आपस का मामला है, जो ग्रीवेंस कमेटी में आया था। कितने मकान तोड़े जाएंगे? ये ऑलमोस्ट सारे 20 के आसपास थे, सारे के सारे अंदर खाली हो चुके हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोग अपने घरों में दबकते हैं, परंतु यहाँ देखा जा रहा है कि घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा है, ड्यूटी है हमारी, हमें अपनी ड्यूटी की पालना करनी होती है। डीटीम साहब, कॉलोनियां तो और भी अवैध हैं, और भी बिल्डर्स की कॉलोनियां होती है, सब पे एक्शन लिया जा रहा है, सब पे एक्शन लिया जा रहा है, सारे मकान तोड़े जाएंगे, तो इसमें कोई बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो है जिन्होंने हरकतें की है। अंकल अब हम कहाँ रहेंगे? हम लोग इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई माने नहीं रहा कुछ। क्यों 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 तोड़ रहे हैं आपके मकान को? पता नहीं अंकल, बाबा ने अंकल उन अंकल ने वो किया, पुलिस केस करी है कि मेरे आपने तो पैसा भी दे दिया होगा। हाँ। तो आप कहाँ रहेंगे? ठंड भी पड़ रही है ऐसे में,
कहाँ जाएंगे आप? पता नहीं अंकल। क्या चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि गरीबों का घर क्यों तोड़वाते हो आप लोग? आप लोग ऑर्डर क्यों देते हो गरीबों का घर तोड़वाने के लिए?